7 लाख रुपए का आपका बजट है और आप कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सी बेस्ट कार मिल जाएगी इतने प्राइस में, तो मेरा नाम अक्षय कुमार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई i10 न्योस के बारे में। इस कार का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है और इसलिए सबसे ज्यादा सेल भी होता है। और इसी के साथ आपको इस कार में रिफाइंड इंजन मिल जाएगा, स्पेशियस कैबिन रहता है और जिसने वही इस गाड़ी को एक बार चला लिया ना वो फैन बन जाता है, क्योंकि काफी रिफाइंड और काफी अच्छा आपको इस कार में इंजन मिल जाएगा और सभी बढ़िया फीचर्स भी आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं। आपको आफ्टर मार्केट वर्क ही नहीं कराना अगर आप ये वाला वेरिएंट लेते हैं तो। यह है i10 न्योस का स्पोर्ट्स वेरिएंट और एक्सटीरियर देखने पर पूरी टॉप मॉडल लगती है गाड़ी, भले से टॉप मॉडल ना हो, टॉप मॉडल वाले फीचर्स कुछ मिसिंग रहेंगे, भी किस तरह के फीचर्स रहते हैं वो देख लेंगे। लोअर वेरिएंट से अगर आप ले रहे हैं ना मैगना तो आप इस पे अपग्रेड कर सकते हैं, प्राइस डिफरेंस भी ज्यादा का नहीं रहेगा। 7,36,000 रुपीज के शोरूम प्राइस पर ही आपको ये कार मिल जाएगी। तो इस शहर में कर रहा हूँ श्री शानमती हुंडई शोरूम पर मुजफ्फरनगर में। तो आपको कोई सी भी हुंडई की कार चाहिए तो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो रही होंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और इंडिकेटर में रहेंगे बल्ब, ये इस कार की ग्रिल, पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाली ग्रिल इस कार की, जिस वजह से फ्रंट प्रोफाइल इस गाड़ी की पूरी गजब लगने वाली है। हुंडई का लोगो मिल जाता है आपको यहाँ पर क्रोम में, LED डायल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जिस वजह से फ्रंट प्रोफाइल इस गाड़ी की पूरी गजब लगती है देखने में, जैसे आप देख सकते हैं, और उसी तरह साइड प्रोफाइल आपको पसंद आएगी। स्टाइलिश स्टील व्हील्स मिल जाते हैं जो कि देखने में आपको एलॉय व्हील्स की तरह लग रहे होंगे पर लेकिन रहने वाली है व्हील कवर्स हैं। टॉप मॉडल में आपको एलॉय व्हील जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। 175/60 R15 की प्रोफाइल रहने वाली है, 15 इंच के मिल जाएंगे आपको उसमें टायर्स, ये रहा इस कार का वार्डियम। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाता है आपको, बॉडी कलर में रहेगा, इंडिकेटर भी इसी में मिल जाता है, ए पिलर हो गया बॉडी कलर का। ऊपर साइड आपको छोटे साइज के रूफ रेस मिल जाते हैं जिस वजह से आपको हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही हुई गाड़ी की, लुक्स के मामले में बढ़िया रहने वाली है गाड़ी। ये रहा इस कार का इंटीरियर जो कि डुअल टोन कलर में रहने वाला है, फीचर्स बढ़िया मिल जाएंगे आपको आफ्टर मार्केट वर्क कराने की भी जरूरत नहीं अगर आप इस कार का ये वाला वेरिएंट लेते हैं तो। मैं आपको एक बार की दिखा दूँ किस तरह की आपको इस कार में की मिल जाएगी। रिमोट सेंटर लॉकिंग की रहने वाली है जिस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, वो कार की बूट को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर हो गया हुंडई का लोगो। जो दूसरी वाली की रहती है आपको बेसिक सी मिलती है, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन अनलॉक का बटन मिल जाएगा। किस तरह के इंटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं एक करके हम सभी फीचर्स को देख लेंगे। बी पिलर मैट ब्लैक का रहेगा। GI10 की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, मतलब ग्रैंड i10 न्योस। इस कार की साइड प्रोफाइल डायमेंशन के मामले में बिल्कुल गजब रहने वाली है गाड़ी। इस कार की जो भी डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रही होंगी। ये कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, जितनी बढ़िया गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल लगती है ना उतनी बढ़िया आपको बैक प्रोफाइल लगने वाली है इस LED टेल लाइट की वजह से। ऊपर साइड होगा शार्क फिन एंटीना, रियर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, रियर डिफोगर जैसे फीचर्स रहते हैं इस कार की, LED टेल लाइट, इंडिकेटर और बैक लाइट में आपको यहाँ पर बल्ब मिल जाएगा। अगर आप टॉप मॉडल भी लेंगे ना तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर वेज ही मिलने वाला है, कनेक्टिंग में नहीं रहेगी LED टेल लाइट। ग्रैंड i10 की बैजिंग हो गई, हुंडई का लोगो, न्यूज़ की बैजिंग हो गई यहाँ पर, और रिवर्स पार्किंग कैमरा रहता है, पार्किंग सेंसर्स रहेंगे, नीचे साइड के रिफ्लेक्टर्स। अब चलिए मैं आपको सारा का बूट दिखा दो, फिर कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में ऑफर करा जाएगा। पार्सल ट्रे होगी यहाँ पर, ये रहा भाई लगेज लैंप, काफ़ी बढ़िया साइज का बूट मिल जाएगा आपको इस कार में। ये रहा भाई स्पेयर व्हील, एक प्रोफाइल छोटी रहने वाली है, 14 इंच का दिया जाता है, 260 लीटर का आपको सनबूट स्पेस मिल जाता है। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, ऐसे अपने कितने बढ़िया फीचर्स आपको एक्सटीरियर से मिल जाते हैं भाई, आपको टॉप मॉडल वाली फील आ रही होगी गाड़ी में एक्सटीरियर देखने पर। स्टाइलिश स्टील व्हील्स मिल जाते हैं जो कि देखने में पूरे एलॉय व्हील्स की तरह लगेंगे। LED डायल्स मिल जाते हैं, LED टेल लाइट तो भाई आपको बेस वेरिएंट से मिलती आ रही है जो कि काफी बढ़िया बात है। रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है भाई, ये भी फीचर आपको बेस मॉडल से मिल रहा है। तो गाड़ी तो भाई बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक वैल्यू फॉर मनी है, और उसी के बीच जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है ना वो सबसे बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि आफ्टर मार्केट वर्क नहीं कराना बेस मॉडल या फिर लोअर वेरिएंट में क्या होता है। अगर आप मैग्ना वेरिएंट भी लेंगे ना तो आपको उसमें व्हील कवर्स मिलते हैं जिस वजह से भाई लोअर वेरिएंट वाली फील आती है, पर लेकिन एक ये ऐसा वेरिएंट है जिसमें भाई टॉप मॉडल वाली फील आएगी। इससे अपर मॉडल आता है जो कि एस्टा वेरिएंट है, उसमें आपको एलॉय व्हील जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन भाई हर किसी बंदे की नीड नहीं होती है एलॉय व्हील जैसे फीचर्स। तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है 81 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क, 4 सिलेंडर में रहती है कार। तो ओवरऑल इस कार का बोल रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्शन मिल जाते हैं ना वो सभी दिखा दिए हैं। तो चलिए मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखा दूँ, उस तरह के फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। तो उस तरह का रहने वाला इंटीरियर इस कार का, जैसे आपको बताया डुअल टोन कलर में रहेगा, फीचर्स के मामले में बेस्ट रहने वाली है गाड़ी, गजब फीचर्स आपको मिल जाएंगे। वही पैटर्न आपको इस कार के डोर पे दिखाई देने वाला है, डुअल टोन कलर में रहेगा। टोपन हो गया यहाँ पर सिल्वर कलर का, 4 पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल
इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है इस कार के आरबीएम्स, यहाँ पर कुछ सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बॉडी स्पेस है, स्पेस स्पीकर, फिर बाहर से दिखने में कुछ तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर हो गया रिक्लाइन करने का। यहाँ पर आपको कुछ तरह की मिल जाए बता दिया, फिजिकली आपको की लगानी पड़ेगी। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन हो गया, हेडलाइट लेवलर हो गया यहाँ पर। और आपको एक बार बैक डोर दिखा दो किस तरह के फीचर्स वहाँ पर आपको ऑफर हो जाते हैं। बैक डोर ओपन हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, बॉडी स्पेस है, स्पेस और स्पीकर। दूसरा का रहने वाला इंटीरियर इस कार का, एक करके हम सही फीचर्स को देख लेते हैं। अगर इस कार का ये वाला वेरिएंट लेते हैं ना, तो आपको भाई आफ्टर मार्केट वर्क कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सभी बढ़िया फीचर्स आपको इस कार में मिल जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। स्टीयरिंग बॉडी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स रहते हैं। यहाँ पर हो गया हुंडई का लोगो, सिल्वर फिनिश मिल जाएगी यहाँ पर। इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर हो गया आरपीएम मीटर, ये स्पीडोमीटर, बीच में आपको MID मिल जाती है जिसमें इसके कितना चली है कार, क्या माइलेज दे रही है, रेंज, सीट बेल्ट का मिल जाएगा आपको यहाँ पर, टेम्परेचर, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया टेम्परेचर, ये रहा फ्यूल के लिए, इसमें होगी कुछ अलर्ट लाइट्स। ये रहा ड्राइवर साइड एसी वैंड, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी आपको साइड में, सर्कुलर में रहेगा एसी वैंड। ट्रैक्शन का बटन हो गया, यहाँ पर हो गया हेडलाइट की बीम के लिए, वाइपर्स के लिए ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स रहते हैं इस कार में, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलेंगे। ये रहा इस कार का सेंटर कंसोल, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस कार में मिल जाएगा। साइड में रहेगी पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के। एसी वेंट्स हो गए, हजार्ड लाइट हो गया यहाँ पर बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल हो गया यहाँ पर, एसी उस सारे कंट्रोल्स रहेंगे। टाइप सी पोर्ट है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, थोड़ा स्पेस हो गया यहाँ पर। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा, उस तरह का नोव रहता है। यहाँ पर कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, ड्राइवर साइड सन वाइजर, टिकट होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। IRBM मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। वॉइस कमांड के लिए हो गया पर माइक, कोड सनवाइजर, वारंटी मिरर के साथ, गियर हैंडल उस तरह की रहेंगी। इस कार की फ्रंट सीट्स जिसमें आपको मिल जाते हैं फिक्स हेडरेस्ट, सेमी लेदर राइट सीट्स रहेंगी, साइड में आपको लेदर मिल जाता है, बीच में रहेगा फैब्रिक, यहाँ पर कितना स्पेस मिल जाएगा। ये ग्लव बॉक्स कार का, काफ़ी बढ़िया साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। ये कोड डोर इस कार का, डोपनो के सिलेक्टर का, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, पावर स्पेस है, स्पेस और स्पीकर्स, तो ये तो बात है जी फ्रंट सीट पर बैठकर, जैसे आप देख सकते सभी बढ़िया फीचर्स आपको इस कार में मिल जाते हैं। आपको कोई भी आफ्टर मार्केट वर्क कराने की जरूरत नहीं है अगर आप इस कार का ये वाला वेरिएंट लेते हैं तो। अगर आपको फीचर्स की भी कमी लग रही है ना इस गाड़ी में, आपको हाई फीचर्स हैं जैसे कीलेस एंट्री हो गया, एलॉय व्हील जैसे फीचर, तो ये आपको इस कार के बिल्कुल टॉप मॉडल में मिल जाएंगे जो कि एस्टा वेरिएंट है। तो कितना लेग रूम मिल जाता है आपको इस कार में, लेग रूम हेड रूम में बिल्कुल ही कमी नहीं रहेगी। और रियर सीट पर बैठे उससे लगता है डैशबोर्ड इस कार का। फ्रंट में कैबिन लैंप तो नहीं रहता है, आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि हेलोजन में रहेगा। रेयर सीट पर भी अच्छी ब्राइटनेस आपको फिर मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल हो गया, फ्रंट में फिक्स हेडरेस्ट रहता है, आपको बैक में मिल जाएंगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पर ग्रैब हैंडल, ये रहा भाई बैक डोर, ओपन हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, स्पीकर, बॉडी स्पेस, डिफरेंट स्पेस, रेयर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप इस कार का अपर वेरिएंट के साइड जाएंगे। कुछ सैच को गए बाहर हम, तो ओवरऑल खुश है इसका इंटीरियर रहने वाला है। फीचर्स के मामले में तो नेक्स्ट लेवल है गाड़ी, हर चीज़ बेस्ट रहने वाली है इंटीरियर में। आज तो कुछ मत।